हेलो आई एम नवनीत अग्रवाल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम रूट्स को निकालने के डिफरेंट तरीके के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के दौरान हम पढ़ेंगे रूट्स डिवीजन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं अब आगे बढ़ते हुए ये कुछ वार्म अप क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं इन वार्म अप क्वेश्चन को करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और फिर स्टार्ट कर कर आंसर्स चेक कर सकते हैं जब आप 625 uh, को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका तो आपको आंसर मिलेगा 25 और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 11 आगे बढ़ते हैं और अब हम डिवीजन मेथड के बारे में जानते हैं डिवीजन मेथड में जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यूनिट प्लेस से निकालते हैं यानी कि इधर से यानी राइट में जो नंबर होगा उससे और फिर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं लेकिन इधर हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं यानी दो के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं राइट साइड से यानी कि जैसे इधर हमने वन और सिक्स यानी सिक्सटी वन का ग्रुप बनाया है फिर हम थ्री का ग्रुप बनाएंगे जो लेफ्ट में एक डिजिट रह गया उसका हम सिंगल नंबर पे भी हम ग्रुप बना सकते हैं यानी उस ग्रुप में सिंगल नंबर भी हो सकता है अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन प्रोसेस को जब भी हम डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो ये फर्स्ट ग्रुप है यानी थ्री उसके लिए हम लार्जेस्ट स्क्वायर जो उसमें आ सकता है उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे यानी जो है वन तो हम इधर वन लिख देंगे और हमें मिलता है वन वन टाइम्स वन से तो अब हम इधर उसी तरीके से इधर इसको डिफाइड करते करने जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही हम थ्री से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा टू अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें ये जो दूसरा ग्रुप है पूरे के पूरे ग्रुप को हमें नीचे उतारना पड़ेगा यानी सिक्सटी वन हम पूरा का पूरा नीचे उतारेंगे और फिर हम ये जो वन है एज़ हमने उसे वन से ही टाइम्स किया है मल्टीप्लाई किया है तो हम वन में वन ऐड करेंगे तो हमें जो हमारी सेकेंड नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है उसका टें कॉलम मिल जाएगा यानी टू अब हम देखेंगे ट्वेंटी से लेकर कुछ नंबर जो हमें दे सके स्क्वायर में टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन या टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन से कम आगे जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम 200 हंड्रेड एंड सॉरी ट्वेंटी को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 261। यानी कि जब हम ब्लैंक स्पेस में 9 लिख देंगे तो हम ये टू मिल जाएगा तो अब हम वो 261 उस uh, 261 के नीचे लिख देंगे और फिर हम 261 से 261 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो होगा जीरो जब हमें यह रिमाइंडर मिलेगा तो हम जान लेंगे कि जो हमारा स्क्वायर रूट निकला है वो है 19, यानी कि 361 का स्क्वायर रूट होता है 19। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और फिर स्टार्ट कर आंसर चेक कर सकते हैं आशा करता हूँ आपके यही आंसर्स रहे हों अगर आपकी यही आंसर्स रहे हैं तो यह आपके लिए गर्व की बात है और आप अपनी पीठ को थप तक सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर लॉग इन टू जस्ट डॉट कॉम